हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय में, स्वर्गीय मुरली देवड़ा सभागृह में। और आज यहां पर मुंबई प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की तरफ से बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो ऐसे में हम चलेंगे यहां के जो मुंबई प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष है सतीश मनचंदा जी से, हम जानना चाहेंगे कि सर आज जो कार्यक्रम हुआ उस कार्यक्रम में का क्या योजना थी, क्या कार्यक्रम था आपका? मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, सेवा दल को 100 साल पूरे हो रहे हैं। 28 दिसंबर 2023 को सेवा दल 100 साल पूरे कर लेगा। उस 100 साल के उपलक्ष पर ऑल इंडिया कांग्रेस सेवा दल की ओर से प्रत्येक प्रदेश में जिला वाइज ट्रेनिंग कैंप लगाने के लिए कहा गया है। उसी के परिणाम स्वरूप आज दक्षिण मुंबई, दक्षिण मध्य मुंबई और ईशान्य मुंबई 3 जिलों का 3.5 दिन का सहयोगी प्रशिक्षण कैंप आज यहाँ पर लगा। ऑल इंडिया कांग्रेस सेवा दल ने हमारी सम्माननीय बहन मधुबाला गुरुंग जी को कैंप, जो कि अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल की सचिव हैं, कैंप कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया। उसी का आज उद्घाटन समारंभ था, जो सवेरे वर्षाताई जी के कर कमलों द्वारा हुआ। सवेरे 10 बजे ध्वजवंदन हुआ, ध्वजवंदन के बाद इनोग्रेशन हुआ। सेवा दल के संस्थापक आदरणीय कैलाशवासी सुब्बा राव हर्डीकर जी की तस्वीर पर पुष्पमाला अर्पण करके, दीप प्रज्वलित करके वर्षाताई गायकवाड़ जी ने इस कैंप का उद्घाटन किया। ये आपके कार्यक्रम और कितने दिन चलने वाले हैं और उसमें क्या क्या आप ट्रेनिंग देने वाले हैं? ये कार्यक्रम 2 दिन और चलेगा, कल और परसों। हम लोगों ने जो ऑल इंडिया से और कैंप कमांडेंट ने ट्रेनिंग का जो बनाया है वो बताएंगी, क्योंकि आज का तो मैं बता सकता हूँ क्योंकि मैंने देखा क्या क्या हुआ। सवेरे झंडा वंदन के बाद यहाँ उद्घाटन हुआ, उद्घाटन के बाद सभी को बाहर ड्रिल और परेड कराया गया, सबको ड्रिल और परेड की जानकारी दी गई। तत्पश्चात कांग्रेस का इतिहास बताया गया, सेवा दल की स्थापना के बारे में बताया गया। तत्पश्चात तिरंगा झंडा, उसका महत्व बताया गया, वो झंडा कैसे बांधा जाता है वो बताया गया। इसके साथ साथ बाहर बड़े हॉल में खेल के द्वारा बताया गया कि जो प्रशासन, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जितनी भी स्कीम्स वो निकालती हैं, वो स्कीम्स अधिकांश फायदा उसका जो गवर्नमेंट के सेक्रेटरीट्स, अंडर सेक्रेटरीट्स, वहाँ का स्टाफ है वो ले लेते हैं। उसके बाद दूसरा फायदा लेते हैं जो नेताओं के बहुत इर्द गिर्द होते हैं, और आम जनता तक बहुत कम फायदा पहुँचता है। इस ट्रेनिंग के माध्यम से बताया गया कि सेवा दल के लोग सरकारी स्कीम्स जितनी भी निकली हैं उन सबको आम जनता तक पहुंचाएं, जिसके लिए गजानन लाड जी का नाम सुझाया गया, क्योंकि वो अक्सर इन स्कीमों को अपने तालुका में लेते हैं। वो मेरे जोगेश्वरी के तालुका के अध्यक्ष हैं। भोजन हुआ, भोजन के बाद में यहाँ पर वंदे मातरम कैसे गाया जाना है उसकी पूरी जानकारी दी गई। और सेवा दल का एक नियम है कि जब हमारे गेस्ट आते हैं तो वो गेस्ट का तालियों से कैसे स्वागत होता है, जब वो जाते हैं कैसे स्वागत होता है। उसी के बीच
हमारे सेवा दल के स्लोगनों का और कुछ गानों का हमारी कैंप कमांडर ने बहुत खूबी से वर्णन किया और लोगों को सिखाया, जो आनंद से लोगों ने सीखा। और फिर शाम को 5 बजे ध्वज उतारा गया, उसकी विधि सबको बताई और फिर विसर्जन हुआ। यहाँ पर मुंबई में आ जाई हैं अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल की सचिव और राजस्थान कांग्रेस सेवा दल की प्रभारी, और मुंबई में कैंप कमांडर के तौर पर आई हैं मधुबाला गुरुंग जी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप आज मुंबई में आई हैं, यहाँ पर आपने मुंबई प्रदेश कांग्रेस सेवा दल द्वारा जो 3 जिलों का प्रशिक्षण था उसमें आपने कौन कौन सी ट्रेनिंगें दी हैं और भविष्य में क्या क्या ट्रेनिंग उनको मिलने वाली है। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं 10 तारीख को यहाँ पर बोरीवली स्टेशन पहुँची, मुझे प्रदेश अध्यक्ष और यमुनेश्वरी देवी ने रिसीव किया और साथ में तमाम पदाधिकारी लोग थे जिन्होंने मुझे यहाँ पर रिसीव करने आए। और शाम को हम लोग सब पदाधिकारी मिल करके यहाँ पर MRCC आए और निरीक्षण किया। मुझे बहुत खुशी हुई कि वहाँ पर देख करके कि जो इन्होंने इंतज़ाम किए हैं वो बहुत अच्छे किए हैं। और 11 तारीख से सुबह वर्षाताई जो है 9:15 बजे 9:30 बजे के करीब आ गई थी और उन्होंने भी देख करके सेवा दल के लोगों को देख करके बड़ी खुशी जाहिर करी कि यहाँ पर सभी कार्यकर्ता उपस्थित हैं। तो हमारा जो ध्वजवंदन का कार्यक्रम था वो 10:15 बजे से स्टार्ट हुआ और 11 बजे तक हम लोगों ने अपनी क्लास स्टार्ट कर दी थी। और उसके बाद में जो हमारा उद्घाटन हुआ है वो वर्षाताई ने किया बहुत ही, और सबसे पहले दीप प्रज्वलित करके हार्डिकर जी के सामने वहाँ से हमारा उद्घाटन शुरू करके हमारे को अच्छी मतलब धन्यवाद करके, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करके और अच्छा कैंप चलाने के लिए और अच्छे तरीके से संगठन को बढ़ाने के लिए हमको बात करी, शुक्रिया करिया, धन्यवाद।